और ये कब अल्लाह ताला आपको दुनिया फिराए और आप उसमें चलते चलते नमाज पढ़ो तो आपको पता चले कि नमाज में क्या ताकत है। नियाग्रा फॉल के करीब से गुजर रहे थे हमारी आवाज, तो मैंने कहा यार ये भी दिखा दो, तो मकामी साथी हमें ले गए। वहाँ नमाज का वक्त हो गया जोहर का, तो हमने अजान दी, नमाज पढ़ी, तो एक अमेरिकन फैमिली वहाँ आई हुई थी। तो नमाज से फारग हुए तो हमारे पास आ गया, कहने लगे आपने ये क्या किया है। हमने अपने अल्लाह को याद किया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो बहुत अच्छा है। तो हमारे साथी ने कहा तो आप इसे कबूल कर लें, आप मुसलमान हो जाए। कहने लगे पर वो तो मक्के जाना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, आपको मक्के नहीं जाना पड़ेगा, हम आपको यही मुसलमान बना दे। अच्छा इधर हो जाऊंगा, वहां यही हो जाओ, तो क्या करना पड़ेगा। मैं हम जो कहते हैं वो कहो। तो उसको हमने कलमा पढ़ाया, उसकी बीवी को पढ़ाया, मुसलमान हो गए। फिर एक वो न्यू जर्सी का था, तो वहां का हमने एक दोस्त को उनको एड्रेस दे दिया कि वहां आप उनसे जाके रब्ता कर लें। अब उसका नसीब उसने किया ना किया वो तो बात की बात है, लेकिन नमाज ने उसको हिला दिया। कहा मुझे आपका ये अमल बड़ा अच्छा लगा, आपने ये क्या किया है। मैं जो रायण पढ़ता था तो एक पादरी आया, मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 80 के करीब था, 6 फुट से ऊपर का था, मुसलमान हुआ कोई 75 साल की उम्र में। कि फ्रांस में एक जमात हमारी चल रही थी ट्यूनस की, ट्यूनस से। तो वो उस वक्त कोई ऐसी जगह नहीं थी, मस्जिद कोई नहीं थी, तो इस पादरी ने उनको देखा तो उनको अपने गिरजे में बुला लिया और वहां उनको रात ठहरने का मौका दिया। अगले दिन उनसे कहने लगा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मैंने 30 साल कुरान पढ़ा है और मुझे यकीन हो गया था कि यह कुरान हक और सच किताब है, लेकिन मैं किसी मुसलमान को इसके मुताबिक देखता ही नहीं था। तो फिर मैं ये सोचता था ये किताब सच्ची है, ये उसके मानने वाले सच्चे। आज मैंने तुम में कुछ कुरान की झलक देखी, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। फिर मुसलमान हुआ। फिर वो रायमंड आया, मैं वहां उस वक्त जरिए तालीम था, उनके लिए कुर्सी बिछाई जाती थी नमाज पढ़ने के लिए। तो उन्होंने फिर जाते हुए कहा मैं आपको मेरी जिंदगी गुजरी है, मैं प्रीस्ट रहा हूं, मैं पादरी रहा हूं, मैं आपको दो बातों की नसीहत करता हूं। जब आप यूरोप में जाएं तो पगड़ी आपके सर पर हो, दाढ़ी आपके चेहरे पर हो, शलवार कुर्ता आपका लिबास हो, बस सिर्फ आप ये लिबास पहन के गुजर जाएं, कोई बात ना करो, सिर्फ ये लिबास पहन के गुजर जाए। और जहां नमाज का वक्त हो अजान दे के बाजमात नमाज पढ़े। कई ये दो बातें खंजर की तरह लगती हैं, खंजर की तरह। फिर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरा फ्रांस में मैं ना मरूं, किसी इस्लामी मुल्क में मरूं। तो ट्यूनस गए हुए थे जमात में, वहां इंतकाल हुआ, वहीं वो दफन हुआ।